अगर उस दिन चाबी रही होती तो टाइटैनिक शिप को डूबने से बचा लिए होते। ये वही चाबी है जो दिखने में ऑर्डिनरी चाबी जैसा है, लेकिन यही चाबी अगर उस दिन रही होती तो टाइटैनिक शिप को डूबने से बचा सकते थे। टाइटैनिक शुरू होने के लास्ट मिनट में शिप क्रू मेंबर डेविड ब्लेयर की जगह पर चार्ल्स लिक्टोरर को लगा दिया गया, लेकिन उस दिन डेविड ब्लेयर ने बाइनोकुलर्स रूम की चाबी चार्ल्स को देना भूल गए। बाइनोकुलर्स रूम के कीस नहीं होने के कारण शिप को आंखों के भरोसे चलाना पड़ा, इसलिए कुछ दूरी पर मौजूद बर्फ का चट्टान शिप चला रहे अधिकारियों को नहीं दिखा। इसलिए 1912 में टाइटैनिक शिप उस बर्फ के चट्टान से टकरा कर डूब गई, जिसमें करीब 1522 लोगों की मौत हो गई। अगर उस दिन बाइनोकुलर्स रूम की चाबी रही होती तो बर्फ के चट्टान को पहले ही देखकर शिप का रास्ता बदल दिए होते। इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन कभी कभी छोटी से छोटी गलती का परिणाम भयंकर हो जाता है। तो इस वीडियो में दुनिया की मोस्ट वैल्यूबल मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक छोटी सी रॉन्ग डिसीजन के कारण एक आदमी बिलियनियर होने का चांस खो बैठा। एप्पल कंपनी को स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनाइक ने मिलकर वर्ष 1976 में शुरू किया था। उस समय स्टीव जॉब्स 25 साल के थे और स्टीव वॉजनाइक 21 साल के थे। उस समय इन दोनों को गाइड करने के लिए किसी सीनियर आदमी की जरूरत पड़ी। तब 42 साल के रोनाल्ड रेंज को अपनी कंपनी के 10% शेयर देकर पार्टनर बना लिए। ये रोनाल्ड रेंज ही है जो पहली बार एप्पल कंपनी का लोगो और एप्पल कंप्यूटर्स का मैनुअल लिखा था। वर्ष 1976 में एप्पल कंपनी को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट शॉप नाम की कंपनी को 100 कंप्यूटर्स डिलीवर करना था। इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टीव जॉब्स ने स्वीकार कर लिया, लेकिन रोनाल्ड रेंज व्हाइट शॉप कंपनी पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि यह कंपनी कई बार प्रोडक्ट्स डिलीवरी होने के बावजूद पेमेंट नहीं करती थी। इसलिए रोनाल्ड रेंज इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ थे, लेकिन रोनाल्ड रेंज की एक बात भी स्टीव जॉब्स ने नहीं सुनी। तब रोनाल्ड रेंज ने कंपनी को घाटा होने के डर से अपने 10% शेयर्स स्टीव जॉब्स को 50,000 रुपये में ही बेच दिए। अभी अगर 10% का शेयर वैल्यू हिसाब करें तो करीब 5,00,000 करोड़ की वैल्यू है। अगर उस समय रोनाल्ड रेंज अपनी 10% शेयर नहीं बेचे होते तो आज वो एक बिलियनियर होते। सो एक छोटी सी गलती के कारण रोनाल्ड रेंज बिलियनियर होने के चांस खो बैठे। द लॉस ऑफ मास क्लाइमेट ऑर्बिटर। एक छोटी सी मैथ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण 2000 करोड़ के लागत से बनी सैटेलाइट क्रैश हो गया। वर्ष 1998 दिसंबर में मार्स प्लैनेट पर क्लाइमेट रिसर्च करने के लिए नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर नाम की सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। इस सैटेलाइट को भेजे 10 महीने बाद यानी कि 1999 सितंबर में मार्स प्लैनेट के करीब पहुंच गया। मार्स प्लैनेट से वह सैटेलाइट केवल 227 किलोमीटर दूरी पर मौजूद था, लेकिन नासा के साइंटिस्ट मार्स से 110 किलोमीटर के रेडियस ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना चाहते थे। लेकिन 227 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद सैटेलाइट को 110 किलोमीटर के रेडियस में भेजने के लिए सैटेलाइट ट्रस्टर्स को फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए नासा ने एक छोटी सी कंपनी को कहा। उस समय उस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से कैलकुलेट करके उस वैल्यू को नासा को दे दिया। तब वही वैल्यूज़ को नासा ने सिग्नल के तौर पर सैटेलाइट को भेज दिया। जैसे ही सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने पर ऑर्बिट में ना जाकर मार्स प्लैनेट पर जाकर क्रैश लैंड हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, नासा को फोर्स वैल्यू न्यूटन्स में चाहिए था। वो कंपनी वैल्यूज़ को पाउंड्स में कैलकुलेट करके दिया था। ये बात नासा को नहीं पता था। नासा यही सोच रहा था कि वह वैल्यू न्यूटन्स में ही मिली है, और नासा उस वैल्यूज़ को बिना चेक करे ही सैटेलाइट को भेज दिया। इसी गलती के कारण जो सैटेलाइट को 110 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजना चाह रहे थे, वह सैटेलाइट 56 किलोमीटर के ऑर्बिट में जा पहुंचा। लेकिन मार्स पर 80 किलोमीटर के ऑर्बिट तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इसलिए जब वह सैटेलाइट 56 किलोमीटर के एरिया में पहुंचा तब मार्स पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सैटेलाइट क्रैश हो गया। बस एक यूनिट कन्वर्जन के कारण नासा को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। इस घटना के बाद नासा ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, इंसानों से गलतियां होती है, लेकिन इस छोटी सी गलती के कारण नासा को 2000 करोड़ का नुकसान देखना पड़ा। द सेल ऑफ अलास्का। एक बड़े से देश को बहुत ही कम पैसों में बेच देने से
रशिया उस जगह से निकली नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाया। 17th सेंचुरी में अलास्का नाम की जगह की खोज रशिया ने किया था, इसलिए अगले 126 सालों के लिए यह जगह रशिया में शामिल हो गया था। लेकिन वर्ष 1867 में इस अलास्का जगह को अमेरिका को 50 करोड़ में ही बेच दिया। लेकिन उसके बाद अलास्का में मौजूद कई लाख करोड़ की ऑयल रिसोर्सेस मिली। रशिया ने उस जगह की जांच ना करके ही अमेरिका को बेच दिया, जिसे कई लाख करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष 1867 में रशिया को इस जगह को बेचने का यह भी एक कारण था। उस समय रशिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। रशिया के पड़ोसी देशों पर भी यूनाइटेड किंगडम का राज चलता था और रशिया को अलास्का देश को चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और अलास्का जगह पर चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर होने के कारण उस समय रशिया को यह जगह एक यूजलेस लैंड लगा और यूके से इस जगह पर कब्जा करने का डर भी था। यह सब सोचकर रशिया ने इस जगह को 50 करोड़ में ही बेच दिया। द लास्ट बिटकॉइन फॉर्च्यून। बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ने के कारण कई सारे इन्वेस्टर्स ने खूब सारे पैसे कमाए, लेकिन एक आदमी को छोड़कर। 2009 में यूके में रहने वाला जेम्स हॉवेल्स ने 6000 के लागत से 7500 बिटकॉइंस को अपने डेल लैपटॉप से माइनिंग किया था। उसके बाद अपने लैपटॉप को डिसअसेंबल करके बिटकॉइन से जुड़ी डाटा को हार्ड डिस्क में करके रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद बाई मिस्टेकली उस हार्ड ड्राइव को डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन 2017 में एक बिटकॉइन की प्राइस 10 लाख रुपए देखकर वह परेशान हो गया और उसने उस हार्ड डिस्क को हर जगह खोज दिया। लेकिन कोई भी चीज़ एक बार डस्टबिन में फेंक दिए तो फिर वह मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर वही 7500 बिटकॉइन आज इसके पास होता तो वह एक बिलियनियर बन गया होता। फ्रेंड्स, हर कोई अपने लाइफ में जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ करते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि एक सही डिसीजन ही लाइफ को चेंज कर देता है।